भाई हमारे पास आए हैं लोकेंद्र और हिमांशु दोनों भाई 51 पैसे हमारा स्वागत करते हैं। भगवान से कामना करता हूँ लोकेंद्र और हिमांशु के हाथ प्रभु धर्म की तरफ बढ़ते रहे, परमात्मा धन और शिव भंडार भरता रहे। बोलिए गोधन बोलो भगवान की। मैया यशोदा अगर मैं नहीं मत रही थी तो कन्हैया मैया यशोदा से बोले मैया ओ यशोदा, ये 100 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान शिवम यादव जो टिंडोली से आए हुए हैं। 100 रुपए से हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ प्रभु शक्ति प्रदान करता रहे। महादानंद सदैव आदर में खुशियां ही खुशियां मनाई जाती रहे। यशोदा आराम में कही मत रही थी तो कन्हैया बोले मैया यशोदा ओ मैया, कोई भूख लग रही है जरा कितना तक रही दे दे ओ यशोदा मैया किया है और काय की तेरी रही है तो यशोदा हमें
श्याम सुंदर ने कहा मैया यशोदा हाँ मैया बड़ी परेशान हो रही है। अब कन्हैया समझ गए मैया परेशान है तो फिर उन्हीं रस्सियों से बंध जाते हाथ पैर कन्हैया के पार करके आंगन में वो कंकरी सुंदर शिवा दिया। अब श्याम के घुटनों के बल बढ़े हैं क्योंकि पैर बंधे हो गए हैं। घुटनों के बल कन्हैया आगे बढ़े तो ऊखल आंगन में दो वृक्ष खड़े थे के बिना के उन वृक्षों में ऊखल अटक गई और जैसे ही ऊखल अटकी भैया दोनों वृक्ष उखड़ के जमीन पर गिर पड़े। उन वृक्षों में से दो सुंदर राजकुमार प्रकट हो गए। वो राजकुमार कौन थे? नलकुंवर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे। ये वृक्ष कैसे बने थे इसका भी कारण था। एक बार नलकुंवर मणिग्रीव अपनी पत्नियों के साथ नगे नौकर के जल में स्नान कर रहे थे। तब तक बाबा नारद आ गए तो नारद को देखकर इनकी पत्नियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए। ये नलकुंवर मणिग्रीव दोनों नगे अवस्था में खड़े रहे। बाबा नारद ने श्राप दे दिया कि नलकुंवर मणिग्रीव तुम दोनों अमला अर्जुन के वृक्ष हो जाओ। तो उसी श्राप से ये दोनों वृक्ष हो गए। इनकी पत्नियां रोने लगी। बाबा नारद के चरणों पर गिर पड़ी बोली प्रभु हमारे पतियों का कल्याण कैसे होगा मेरे पतियों का उद्धार कैसे होगा। तो नारद ने कहा तो आप पर अपने भगवान कृष्ण अवतार लेके आएंगे। मैया यशोदा ऊखल से कन्हैया को बांधेगी भाई ऊखल तुम पे अटक जाएगी तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये चौखड़ के कैसे गिर पड़े। बाबा नारद मैया यशोदा घबराने लगे समझ गए ये सारा नाटक कंस का है। तो भय के कारण उसी दिन से बाबा नंद और मैया यशोदा गोकुल को छोड़ देते हैं और वृंदावन में वास करते हैं। बोलिए वृंदावन हरी लाल की। 50 रुपए हमारे पास आए कमलेश यादव की तरफ से इसी गांव नंदपुर के रहने वाले हैं। कह रहे शास्त्री जी की बोलिए सुना दीजिए। तो हमारे परीक्षक महाराज जी इनकार कर रहे हैं भैया लगोरिया नहीं सुना लेकिन कोई बात नहीं है आप लोग बैठे रहे मैं लगोरिया सुना दूंगा। भागवत के शब्दों में तर्ज लगोरिया नहीं होगी कोई बात नहीं। आई Yeah.
में हमारे पास आए हैं श्रीमान अलवर सिंह और उनकी सारी जी की तरफ से 50 रुपए हमारे करीब आए हैं और 10 रुपए श्री साथियों को भेंट कर रहे हैं। भगवान संतोष भंडार और 50 रुपए पेपर भैया की तरफ से आए हैं घटवा के रहने वाले हैं और 50 रुपए केशव भैया जोशी का नंदपुर के रहने वाले हैं। ये भैया 50-50 रुपए से हमारा स्वागत करते भगवान से कामना करता हूँ। प्रभु संतोष भंडार इधर बाबा रंग मैया यशोदा कंस के भय के कारण आज गोकुल को छोड़ देते हैं और गोकुल को छोड़ने के बाद वृंदावन में पास करते हैं। बाबा रंग मैया यशोदा आज ग्वालों के साथ अब वृंदावन में रहने लगे हैं। एक बार सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्रीमान राजेंद्र सिंह भैया के बड़े बेटा एक हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ प्रभु सदगति प्रदान करता रहे, इनके आंगन में भगवान धन दौलत भंडार भरता रहे। सुंदर करतारी भगवान की कथा देखी सब ताली बजा के बोला जाता है। भाइयों सब लोग सब ताली बजा के बोले ऊपर आता था ये वीडियो बन रही है जो भैया दरकार का
पत्र श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंद परीक्षण इधर बाबा नंद मैया यशोदा कृष्ण बलराम आदि वालों के साथ गोकुल को त्याग करके वृंदावन में रहने लगे हैं। ये 51 रुपए हमारे पास आए हैं श्रीमान अंकित कुमार। हाथ लगा लो भैया। हेलो। हाँ हाँ। ये जगपाल और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्येद्भवः।